जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाइव। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो फिर वीडियो आगे देखते हैं। और जेवरी का आटा भी ख़त्म हो गया था, उसको मैं पीसने के लिए डाल दी हूँ चिक्की में। और गेहूँ का भी डालना है बाद में और पानी भी भरना है अभी, क्योंकि बाहर मैंने मोटर स्टार्ट किया है। तो जब भी हमारे खेत का मोटर स्टार्ट होता है बावड़ी का, तो तभी हम लोग पाइप डालना हुआ है तो घर में ही पानी भर लेते हैं। और सब पानी पर भरने के बाद हम फिर अभी आज ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ऐसे ही बैठ रहे थे यहाँ पे हम खटिया पे बैठ के। ये नहीं, बहुत अच्छी सी ताज़ी ताज़ी फ्रेश मक्का है, तो उसे भूनकर खाना बहुत अच्छा लगता है। और कृष्णा, आदिति, रुद्र सब खा रहे मिलके। तो ताज़ी जब खाओगे ना तब पता चलेगा, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद, इसे ख़त्म करने के बाद फिर गाय को चारा पानी करना था, लेकिन उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई और बहुत सारे कपड़े धोकर डाले थे, उसे हम लोगों ने फटाफट से निकालना शुरू किया। लेकिन बारिश दिख रहे हो आप कैसे शुरू हो गई है, और इतने सारे काले बादल है कि ऐसा लग रहा है इतना पानी गिरेगा कि बावड़ी को बाढ़ आ जाएगी, सॉरी नदी को बाढ़ आ जाएगी। लेकिन फिर खुल गया, धूप भी हो गई, बारिश तो चली गई, बस बहुत जोरों की हवा चल रही है। तो चारा पानी करना है अभी इनका, सुबह चारा डाला था, अभी पानी पिलाना है। लेकिन अभी बहुत ठंडियों के दिन है तो पानी पीते नहीं, इसीलिए हम लोग इसमें आटा डालते हैं। और फिर देखो अभी कैसे फटाफट से पानी पी जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता कि पानी की ज़रूरत है। लेकिन पानी को, चाहे जानवर हो या इंसान, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए, और जो बासी रोटियां होती है वो सुबह हम लोग गाय को खिला देते हैं और ताज़ी भी खिलाते हैं, लेकिन जो भी बचा हुआ होता है ना रोटी, तो खिला देते हैं। और इसी तरीके से पानी पिलाएंगे इनको फटाफट से, ताकि ये बहुत अच्छे से पानी पिए। और अभी देखो पानी है तो पी नहीं रही है, देख रही है बस। लेकिन जब मैं इसमें आटा डालूंगी ना, तब देखना मुंह भी नहीं निकालेगी बाहर। देखो मैंने बोला था ना, बहुत अच्छे से पानी पी गया। बस इसी तरह से हमारे काम शुरू रहते एक के बाद एक। तो अभी इस छोटे को ही रह गया पानी पिलाना, ताकि वो भी अच्छे से पी लिए। और फिर उसके बाद, उससे भी छोटा है ना हमारा राजा, उसको भी खिला देते। और जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी लग रहा है, लेकिन पता नहीं कि बारिश होगी या नहीं, पर बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं आ रही, बस थोड़ी थोड़ी आ रही, लेकिन अभी बड़े बारिश की बहुत ज़रूरत है। तो देखते कब तक आती है, अभी तो धूप ही नहीं आ रही ज़्यादा, बस थोड़ा सा आता है बादल गिरते, और फिर पहले जैसे हो रहा है। नहीं तो अब तक तो लास्ट ईयर में नदी में पानी भी आ रहा था बहुत सारा। और ये हम दूसरे बावड़ी का पानी इस बावड़ी में डालते हैं, हम तुरंत ही यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये कुआ कितना चूचा लग रहा है ना अभी, बहुत डरावना दिखता है जब उसके पास होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। और इसी बावड़ी से और जहाँ से पानी आ रहा है दोनों का, तो हम लोग पूरे खेत को पानी दे पाते हैं। और अभी इन बड़े जानवरों को तो हो गया, अभी छोटू वाला उसको भी खिला देते, इसी पतीले में देते उसको, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसने घी गर्म किया था, तो बड़े मज़े से खाता है फिर। और अभी देखो इसे कैसे करता है। और यहाँ पर पानी भरने का काम शुरू है, फ्लावर का ही बीज डाला है फिर से, कृष्णा आदि का तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी देखो कैसे पूड़ी बना रहे, छोड़ रहे पानी में। और आदि जी ने तो बहुत बड़ा फूल छोड़ा, ओला
रेड वाला। और अभी देखो जो पानी है ना उसे रोका तो दूसरी को फोड़ देगा। फिर मैंने कृष्णा ने बोला उसको आ जाओ इस तरफ। और ये पानी की मोटर को बस इधर से उधर घुमाना है बस, क्योंकि यहाँ पर भी सीड्स डाले और ये कॉलीफ्लावर और पत्ता को कैबेज के है। और बहुत जल्दी से उसे भी पानी भरना है ताकि बहुत अच्छे से ग्रो करे। और ये कितना छोटा सा पीस आ चुका है ना, अभी बहुत छोटा छोटा है, तो इसी तरीके से उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और उसके बाद उसे गेहूँ खुरपे से उसके अनचाही सीड हटाने भी हो गए। और बहुत सारे हमारे डोंगर वो भी हरे हरे से भरे हुए हैं, अभी बहुत सुंदर लगता है। और देखो कितनी तेज हवा चल रही है। तो ऐसे खूबसूरत माहौल में रहना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगता है। तो हम तो नसीब वाले हैं जो हमारे गांव में इतना सारा पहाड़ और इतने अच्छे माँ बाप है कि बस मन ही नहीं भरता। देखो ना अभी भाई ने पर और अभी ख़त्म हुआ। और फिर यहाँ पे बैंगन का पौधा है और इसे हम बैंगन लेते बहुत सारे आते। अभी फ्लावर्स है उसमें छोटे छोटे, बहुत बढ़िया बैंगन के पौधे हैं। बहुत महीनों से हम इसके बैंगन खा रहे थे, अभी कम हो गए। और साथ में नींबू भी है जो बहुत सारे येलो हो चुके और नीचे भी गिर रहे, तो उसको भी घर में ले जाते। अभी देखते हैं इसका क्या करना है। बहुत सारे आप देखना चाहोगे तो देखो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।